आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसन जो कि माइग्रेन की समस्या को खत्म करने में काफी कारगर माने जाते हैं। अगर आप ना जानते हों तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जो कि आधे सर में होता है। ये दर्द कभी कभी 2 घंटे से लेकर 2 दिन की अवधि तक रहता है, पर माइग्रेन में सिर्फ दर्द ही नहीं होता बल्कि उल्टी होना, जी मचलाना तथा शारीरिक गतिविधियों के साथ दर्द भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको इसी समस्या को खत्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन विधि बताई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पश्चिमोत्तान आसन के बारे में। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले बैठकर दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर हाथों को पैर की तरफ ले जाते हुए आगे की ओर झुकने से मस्तिष्क शांत होता है और तनाव दूर होता है। इस आसन से सिर दर्द में काफी ज्यादा आराम मिलता है। बात करेंगे अब सेतु बंधासन की। इस आसन को करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें, घुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 15 इंच दूर रखते हुए फैला लें। हाथों को शरीर के साथ रख लें, हथेलियां जमीन पर रखें, सांस लेते हुए धीरे से अपनी पीठ के निचले, मध्य और फिर सबसे ऊपरी हिस्से को जमीन से उठा लें। धीरे से अपने कंधों को अंदर की ओर लें, बिना ठोड़ी को हिलाए अपनी छाती को अपनी ठोड़ी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों व पैरों को अपने वजन का सहारा दें। शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें, दोनों जंघा इस दौरान एक साथ होंगी। आप चाहें तो इस दौरान अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा सकते हैं, अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं। आसन की इस स्थिति में 1 से 2 मिनट तक बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए आसन की पूर्व अवस्था में आ जाएं। अब करेंगे माइग्रेन की समस्या को खत्म करने के लिए आज का तीसरा आसन, जिसका नाम है बालासन। इस आसन को करने के लिए अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं, कूल्हों पर एड़ी को रखें, आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर लगा लें। हाथों को शरीर के दोनों ओर से आगे की ओर बढ़ाते हुए जमीन पर रखें, हथेली आकाश की ओर रखें। अगर ये आरामदायक ना हो तो आप एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखकर माथे पर आराम से रखें। अब धीरे से छाती से जांघों पर दबाव दें। स्थिति को बनाए रखें। धीरे से उठकर एड़ी पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करें। इसके बाद कुछ देर विश्राम करें। अंत में करेंगे हम शवासन। इसे करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ और समतल जगह पर दरी या चटाई बिछा दें। अब पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें, हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें, दोनों पैरों को एक दूसरे से 1 फुट दूर रखें। अब धीरे धीरे पूरे शरीर को शिथिल करें, नीचे से ऊपर तक शरीर के एक एक अंग पर ध्यान देकर सभी अंगों को क्रमशः शिथिल करना है। मुंह और हाथ बंद कर दें, सांस धीरे धीरे लें, सारा ध्यान केवल सांसों पर रखें और मन में किसी और विचार को ना आने दें। कुछ देर 5 से 10 मिनट तक
इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये थे वो आसन जो माइग्रेन जैसी समस्या को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। पर हाँ, इस चीज का ख्याल रखें कि आसन धीरे धीरे असर करता है और लंबा असर करता है। तो फिर आप या आपके आसपास कोई भी माइग्रेन की समस्या से पीड़ित है तो आप उसे ये आसन करने का सुझाव जरूर दें। और अगर आप किसी योग प्रशिक्षक की सहायता से ये आसन करें तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे माइग्रेन के लिए कुछ विशेष आसन। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नए आसन के साथ।